suppose this is lungs. दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर इज पैरेटल प्यूरा एंड इनर वन इज विसरल प्यूरा. इंटरमीडिएट स्पेस इज नोन एज इंटरप्यूरल कैविटी, जो कि फिल्ड रहता है प्यूरल फ्लूइड से. इसके अंदर क्या है, एल्वियोली है, दैट मीन्स एयर कंटेन कर रहा है. तो यहाँ पे एल्वियोलर प्रेशर कितना हो जाएगा, 760 mmHg. एंड बाहर है P80, इज एटमोस्फेरिक प्रेशर, इसका वैल्यू हो गया 760 mmHg. और विद रिस्पेक्ट टू P80, कोई भी प्रेशर को हम उसके डिफरेंस के बेसिस पे मेजर कर सकते हैं, लिख सकते हैं टेक्निकली. तो ये जो 760 mmHg है, इसे हम 0 mmHg भी लिख सकते हैं. 0 mmHg मतलब PALV 0 mmHg डिफर कर रहा है फ्रॉम द PATM. तो ये हो गया इन दोनों का कंडीशन. ये जो इंट्राप्लूरल कैविटी है, इंट्राप्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड है, इसके अंदर जो प्रेशर होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय PIP. PIP का वैल्यू होता है 756 mmHg. 756 mmHg का मतलब हो गया -4 mmHg. ठीक है, -4 mmHg मैंने क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज 760 से -4 756 आ रहा है. तो टेक्निकली 756 mmHg जो है -4 mmHg विथ रिस्पेक्ट टू द PATM वही है. अभी जो मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेन्स का इलास्टिसिटी रहता है, तो अंदर वाला जो विसरल प्यूरा है, विसरल प्यूरा का रिकॉइलिंग फोर्स अंदर की तरफ रहता है, एंड इसका जो रिकॉइलिंग फोर्स है ये बाहर की तरफ रहता है. अगर मैं कुछ देर के लिए इस 756 को 760 में कन्वर्ट करवा दूँ, 760 एज्यूम कर लूँ, मान लो कि यहाँ पे 760 mmHg है, तो प्रॉब्लम क्या होगा, इस पेरेटल विसरल प्यूरा के ऊपर 760 mmHg एग्जॉट हो रहा है, पेरेटल प्यूरा के ऊपर 760 mmHg एग्जॉट हो रहा है. इन दैट कंडीशन ये जो रिकॉइलिंग फोर्स, सपोज दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, ठीक है, एक्स रिकॉइलिंग फोर्स एंड वाई रिकॉइलिंग फोर्स सेम है, अलग है, हम नहीं जानते अभी के लिए. अब अगर मैं पेरेटल प्यूरा, विसरल प्यूरा के बारे में देखूँ, सपोज दिस इज द विसरल प्यूरा, इसके ऊपर इसका टेंडेंसी जो है एक्स फोर्स ये ऑलरेडी खुद एग्जॉट कर रहा है अंदर की तरफ, ठीक है, लंग्स के अंदर की तरफ. एंड इसके ऊपर ये जो 760 PIP का जो प्रेशर है और इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है वो एग्जॉट हो रहा है 760 mmHg एजम्पशन के हिसाब से. तो 760 प्लस एक्स हो गया किसके ऊपर, इसके ऊपर किस डायरेक्शन में, इस अपर डायरेक्शन में, मतलब टुवर्ड्स द लंग्स, टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द लंग्स. तो टोटल कितना हो गया, 760 प्लस एक्स एम एम एच जी. नाउ इसको स्टेबल करने के लिए इसके पास प्रेशर कौन सा है, इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर कौन सा हो रहा है, 760 mmHg. तो अपोजिट डायरेक्शन से हो गया 760, ठीक है. बट 760 से ये जो नेट मूवमेंट और नेट जो प्रेशर है वो किस डायरेक्शन में फेवर कर रहा है, इनर सरफेस, लंग्स के इनर कैविटी की तरफ ये फेवर कर रहा है. तो ओवरऑली दिस 760 कैनॉट न्यूट्रलाइज द ओवरऑल प्रेशर ऑफ दिस वन, ठीक है. 760 प्लस एक्स प्रेशर कैनॉट बी न्यूट्रलाइज बाय द 760 mmHg. तो नेट मूवमेंट क्या हो जाएगा, नेट मूवमेंट ये अंदर की तरफ हो जाएगा. तो सारे के सारे पेराइटल विसरल प्यूरा जो है वो लंग्स को प्रेशराइज करेंगे, सारे के सारे जो एल्वियोली है वो स्क्वीज हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे क्या होना जरूरी है, इस रिकॉइलिंग फोर्स जितना अमाउंट यहाँ पे एग्जॉर्ट हो रहा है उतना इस प्रेशर को डिक्रीज होना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर. दैट मीन्स ये एक्स एम एम एच जी जितना जो भी है, जो भी वैल्यू आ रहा है, दैट वैल्यू शुड बी न्यूट्रलाइज बाय दैट वैल्यू प्लस द प्रेशर शुड बी न्यूट्रलाइज बाय दिस 760 mmHg. तो एक्स का वैल्यू हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे 4 mmHg एज्यूम कर सकते हैं. अगर ये 4 mmHg हो गया तो 4 mmHg यहाँ पे एग्जॉर्ट हो रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे कितना प्रेशर रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट 756 mmHg, ठीक है. तो 756 प्लस 4 mmHg ये दोनों के दोनों मिल के इस पर्टिकुलर एल्वियोलर प्रेशर को बैलेंस कर सकते हैं, ताकि ये विसरल प्यूरा जो है वो एक स्टेबल पोजीशन पे रहे, ठीक है. तो ओवरऑली इन दोनों का जो डिफरेंस आता है, तो यहाँ पे हमारा
एजम्पशन के अकॉर्डिंग 756 mmHg और माइनस 4 हो गया, माइनस 4 mmHg, ठीक है। अब ये माइनस 4 mmHg एंड एल्वियोलर प्रेशर 0 mmHg, इन दोनों के डिफरेंस, दिस डिफरेंस शुड बी इक्वल टू द रिकॉइलिंग फोर्स। ये हर किसी केस में होगा, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, ड्यूरिंग नॉर्मल स्टेबल पोजिशन, नॉन ब्रीदिंग के टाइम में, सारे के सारे कंडीशन में ये जो रिकॉइलिंग फोर्स है दैट शुड बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। और इस डिफरेंस का सिग्निफिकेंस क्या हो गया, इसका मतलब द डिफरेंस इज नोन एज ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इज इक्वल टू पी ए एल वी, दैट इज एल्वियुलर प्रेशर, माइनस पी आई पी, इंट्राप्लूरल प्रेशर। पी ए एल वी का वैल्यू हो गया माइनस 4 एम एम एच जी, पी आई पी का वैल्यू हो गया 0 एम एम एच जी, सॉरी पी एल वी का वैल्यू हो गया 0 एम एम एच जी एंड पी आई पी का वैल्यू हो गया माइनस 4 एम एम एच जी, टोटल हो गया 4 एम एम एच जी, ठीक है। एंड ये 4 एम एम एच जी किस डायरेक्शन में एक्सीड कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सीड कर रहा है, दैट मीन्स दिस एक्सीडिंग प्रेशर इज गेटिंग न्यूट्रलाइज बाय दिस पर्टिकुलर रिकॉइलिंग फोर्स। ये हो गया पी ट्रांसफर, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर का सिग्निफिकेंस। कमिंग टू दिस वन, पेराइटल प्लूरा, दिस इज द पेराइटल प्लूरा, आउटर डायरेक्शन में रिकॉइलिंग फोर्स, उसके साथ साथ पी आई पी का फोर्स इसके ऊपर सेम डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आउटर डायरेक्शन में। बाहर है पी ए टी एम, अपोजिट डायरेक्शन में पी ए टी एम 760, तो ये कितना होना जरूरी है, 756 होना जरूरी है। ये कितना वाई अमाउंट, दैट इज 4 एम एम एच जी, तो 760 शुड बी न्यूट्रलाइज बाय 756 प्लस वाई, ठीक है। तो इन दोनों के, इसके इस प्रेशर के एंड इस प्रेशर का जो डिफरेंस आएगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी डब्ल्यू, दैट इज चेस्ट वॉल प्रेशर, एंड चेस्ट वॉल प्रेशर इज नथिंग बट पी आई पी, द डिफरेंस बिटवीन पी आई पी एंड पी ए टी एम। सो पी आई पी क्या है, पी आई पी हो गया माइनस 4 एम एम एच जी, पी ए टी एम का वैल्यू हो गया 0, माइनस 4 माइनस 0, दैट इज माइनस 4 एम एम एच जी, ठीक है। और ये माइनस 4 एम एम एच जी किस डायरेक्शन में एक्सीड कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में एक्सीड कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रेशर है वो इन इस प्रेशर को y प्लस 756 इस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए हेल्प कर रहा है। और यहाँ पे जो माइनस आ रहा है इस सिग्निफिकेंस क्या है, देखो यहाँ पे जो 4 एम एम एच जी हमने निकाला था ये पॉजिटिव था, ठीक है। किस डायरेक्शन में एग्जॉट हो रहा था, इस डायरेक्शन में एग्जॉट हो रहा था। अभी माइनस का मतलब क्या हो गया, वही सेम फोर्स है, सेम प्रेशर है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में एग्जॉट हो रहा है। तो नेट लंग्स के वॉल के ऊपर बाहर की तरफ, अंदर की तरफ से 4 एम एम एच जी, बाहर की तरफ से माइनस 4 एम एम एच जी, दैट मीन्स दोनों 4 एम एम एच जी है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए हम माइनस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 4 एम एम एच जी। नाउ नेगेटिव पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, जो भी प्रोसेस चल रहा है किसकी वजह से हो रहा है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन, सारा कुछ खेल इस पर्टिकुलर कैविटी का है। और इस कैविटी के अंदर ये कैविटी काफ़ी हद तक क्लोज रहता है, बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन रहता है, सेरस फ्लूइड से भी भरा रहता है। तो पेराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा जो है एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन करते रहते हैं, मतलब घिसते रहते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, उस टाइम पीरियड। तो जो थोरासिक प्रेशर हम नॉर्मली मेजर करते हैं, थोरासिक प्रेशर इज नथिंग बट द पी आई पी, ठीक है। थोरासिक प्रेशर का मतलब हो गया पी आई पी का वैल्यू जो है वही है थोरासिक प्रेशर। तो ये थोरासिक प्रेशर कितना आ रहा है, माइनस 4 एम एम एच जी आ रहा है, एंड दैट इज द रीजन जो व्हाट ड्यूरिंग इनहेलेशन, ये वाला प्रोसेस जस्ट बिफोर इनहेलेशन इसका वॉल्यूम इंक्रीज होने की कोशिश करता है, तो इसके अंदर का प्रेशर और भी ज़्यादा ड्रॉप करता जाएगा, P1V1 = P2V2 बॉयल्स लॉ। तो उस हिसाब से जितना ज़्यादा वॉल्यूम इसका एक्सपांड होगा, क्योंकि इसका रिकॉइलिंग फोर्स बाहर की तरफ, इसका रिकॉइलिंग फोर्स अंदर की तरफ, जितना ज़्यादा दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे इसका वॉल्यूम उतना ही एक्सपांड होता जाएगा। वॉल्यूम अगर एक्सपांड हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, माइनस 4 और भी ज़्यादा डिक्रीज करेगा, और उस डिक्रीज प्रेशर की वजह से इनफ्लो होता है एयर का, ठीक है। इसीलिए इस टाइप के वेंटिलेशन को कहा जाता है नेगेटिव पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है, नेगेटिव पल्मोनरी वेंटिलेशन। एंड दिस इज द मेन फैक्टर जो कि लंग्स को स्टेबल बना के रखने के लिए और नॉन कोलैप्सिबल बनाने के लिए हेल्प करता है, क्लियर।